नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खनन का कार्य बंद होने से जहां रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया, तो वहीं स्टोन क्रेशर मालिकों का भी बुरा हाल है। खनन का कार्य चलने से हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। इसी को लेकर स्टोन क्रेशर के सभी मालिकों ने एक मीटिंग का आयोजन किया है। इस मीटिंग में सभी क्रेशकोर के मालिकों ने अपने अपने सुझाव रखते हुए रेत बजरी भरकर ले जा रहे वाहन को वन विभाग द्वारा रोके जाने पर रोष जताया। क्या नाम है? मैं तपराज सिंह। तपराज जी, आज जो आपने मीटिंग रखी, क्या किस संबंध में रखी? ये सारे क्रेशर यूनियन के हमारे साथी हैं, जो क्रेशर भाग वाले में संचालित हैं वैध रूप से। उनका विशेष रूप से जो वन विभाग की टीमें हैं घूमती रहती हैं, और यहाँ से जो हमारे क्रेशर से निकलने वाला वैध मटेरियल है, जैसे बजरी रेत जो बिल रवन्य देखे जाता है, उसे बाहर रोकते हैं, तंग करते हैं। जबकि उनका कोई अथॉरिटी हाईवे पर चलने के वाहन को रोकने की नहीं है। वो लोग अपना जंगल छोड़ के बाहर निकल के यहाँ लोगों को तंग कर रहे हैं। आम ग्राहक जो अपने यूज़ के लिए लेके जाता है, उससे परेशान है। क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं उनके? वो गाड़ियाँ रोकते हैं, कहते हैं चलाएंगे, 20 किलोमीटर पीछे चलो, 30 किलोमीटर पीछे जाओ। और आदमी कहता है मैं नहीं जाऊँगा, तो उससे इधर उधर की बातें करते हैं, ये दो वो दो, बिल दिखाओ, बिल दिखा दो। उसके बाद में कहते हैं नहीं, तेरे पर फालतू वजन है। उन पर कोई पैमाना होता नहीं है उसे नापने का, कैसे नापेंगे पता नहीं। लेकिन वो नापना उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो उनका उनसे कुछ लेन देन करने का होता है। क्या चाहते हैं आप? इसलिए ये चाहते हैं कि जंगलात की जो टीमें हैं, ये अननेसेसरी लोगों तक न करें। फॉरेस्ट का काम फॉरेस्ट के ऊपर जो होने का है, फॉरेस्ट जाएँ, वहाँ जाके अपना काम देखें, या नेशनल हाईवे पर लोगों को तंग न करें। बस यही हमारी मांग है और हमारी सुना।